जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर दौरे पर पार्टी के वर्करों ने जमकर विरोध किया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी के वर्करों ने भारी विरोध किया। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें काला झंडा दिखाया और गो बैक के नारे लगाए। बक्सर में अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के विरोध और काला झंडा दिखाए जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ऐतिहासिक किला मैदान में सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। इसी दौरान ज्योति चौक पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। विरोध करने वाले वर्कर कुशवाहा समाज के ही बताए जा रहे हैं। पटना में कुशवाहा समाज के लिए छात्रावास बनाए जाने की मांग को लेकर जेडीयू वर्करों ने बवाल काटा है। वहीं विरोध के बावजूद बक्सर में जेडीयू के कार्यक्रम को उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया। कुशवाहा ने कहा कि हायर ज्यूडिशरी में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि केवल 250 परिवार से आने वाले लोग ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाते हैं। उनका रिजल्ट भी निकला है और उसमें अखबार में या सोशल मीडिया में आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जमुई जिला सिकंदरा वहां का एक नौजवान जो पान की दुकान चलाने का काम करता था, किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण मजदूरी करके करता था। उसने भी परीक्षा की तैयारी की और उस परीक्षा में सफल हुआ, रिजल्ट भी आया है और वह भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी की व्यवस्था के कारण बिहार के किसी कोर्ट में जज बनेगा। यह तो हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आप में से कभी किसी व्यक्ति ने सुना कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वहां जज की बहाली होती है तो उसके लिए कोई परीक्षा हुई हो, कभी कोई रिजल्ट निकला हो या कोई आपके अगल बगल का कोई विद्यार्थी उसमें कम्पीट करके जज बन गया हो, कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अति पिछड़ा समाज का कोई नौजवान जज नहीं बना हो, कोई दलित महादलित समाज का कोई नौजवान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना होगा, ऐसा नहीं है। उसमें वो कोई गरीब ब्राह्मण घर का भी विद्यार्थी जिसकी कोई पहुंच नहीं, जिसके पास कोई पैसा नहीं, मेहनत करके वह एसपी कलेक्टर तो बन जाता है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी जात का हो, ध्यान रखिएगा, किसी जात का हम बोल रहे हैं, सिर्फ दलित और पिछड़ा की बात, अति पिछड़ा की बात नहीं, जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं उनके परिवार का भी कोई गरीब है विद्यार्थी, पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? भाई और मित्रों, वहां व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था के चलते नहीं बन सकता, बिल्कुल दरवाजा वहां का बंद है, कोई उपाय नहीं है। हमारे आपके परिवार का कोई व्यक्ति जज बने वहां संभव ही नहीं है। अगर आपके इलाके का, भोजपुर के इलाके का कुछ लोग जज बने हैं उसमें इस इलाके से, लेकिन जो जज बने हैं वो ठीक से पता कर लीजिएगा, जिनके मामा रहे होंगे पहले जज में, जिनके चाचा रहे होंगे, जिनके दादा रहे होंगे, जिनके पिताजी रहे होंगे, वही व्यक्ति उसी परिवार से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट आए और हाई कोर्ट में जज बन गया होगा, वरना परीक्षा दे करके मेरिट के आधार पर वहां जज बनने का कोई प्रावधान नहीं। भाई और मित्रों, जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहां से फैसला गरीबों के पक्ष में होगा? जेडीयू अभी से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। जेडीयू की कोशिश है कि बीजेपी को बिहार में शून्य पर आउट किया जाए, लेकिन अपने मकसद में उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।